नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो आपको स्टैटिक जीके का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसमें आपका टोटल 131 सेट्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपका सेट नंबर करेंगे, सेट नंबर 5 करेंगे, और जिसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसका विदाउट एक्सप्लेनेशन बिना व्याख्या का जो ओनली क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपका रिविजन वीडियो है। ठीक है, तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो वन का ऑप्शन सी सर सीडी देशमुख थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर आपके सर सीडी देशमुख थे। टू आपका है नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका टेम्पल वन। कोई आपका थ्री है सुमलित की नहीं है, तो आपका कौन सा इसमें सही मिला हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर ए आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मल बॉर्लॉग आपका सही है, बाकी आपका नॉर्मल हृदय निर्मल आपका मदर टेसा सही है, सदाकत आश्रम डॉक्टर रंजित प्रसाद सही है, पवनार आश्रम आपका आचार्य विनोबा भावे सही है। फोर आपका कितने रुपए के नए नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। तो ऑप्शन बी आपका 20 रुपए के नोट में। फाइव आपका पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी देविका रानी रौरिक को। 16 नंबर क्वेश्चन है, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नाभिकीय ऊर्जा को। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन में से आपका एक और दो सही है। तो देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी और इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये दोनों सही है। कोई एट आपका नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो एट का ऑप्शन बी लियोन में, इंटरपोल का मुख्यालय आपका हेड क्वार्टर लियोन में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है। तो ऑप्शन में से आपका 7 लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, टेन आपका क्वेश्चन नंबर, राजस्थान के उस शासक का नाम बताएं जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपसे मुंशी आपका महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर के राजा थे। पेपर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विकास MDG लक्ष्य नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, यह आपका लक्ष्य नहीं है, आपका संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी MDG लक्ष्य। ठीक है, आपका अति दरिद्रता का उन्मूलन करना सही है, मातृ स्वास्थ्य सुधार करना सही है, लिंग समानता को संबोधित करना यह भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 नंबर है, कौन सा सुमलित नहीं है आपका, जिसमें कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका खर्ची पूजा असम का ये नहीं है, बाकी आपका गलत सही है। ठीक है, तो हॉर्निबल फेस्टिवल हॉर्निबल महोत्सव नागालैंड सही है, बंगाला तो बंगाला महोत्सव का मेघालय का सही है, और चेरिया ओबा महोत्सव तो चेरिया ओबा त्यौहार आपका मणिपुर सही है। कुछ आपका 13 नंबर सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3241। ठीक है, तो आपका जो फेरा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो फेमा का हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट आपसा, तो AFSP आपसा हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और पोटा का हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, फिर 14 आपका गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत होती, तो गांधी शांति पुरस्कार किस ऑप्शन में थी 1985 में थी। 15 नंबर है, तो सही शोभ अंधकार, तो सही शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका है। ऑप्शन नंबर डी आपके तस्लीमा नसीन। 16 नंबर क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका श्रीहरिकोटा से। 17 आपका है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक कब दिया था, तो गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार जो है किन व्यक्तियों को दिया था या किस संस्था को दिया था। तो ऑप्शन सी व्यक्ति और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। कुछ 18 नंबर, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन बी विज्ञान और तकनीक के लिए। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मधुबनी कला क्या है। तो 19 करेक्ट, ऑप्शन सी बिहार में प्रचलित लोक कला, तो मधुबनी कला आपका बिहार में प्रचलित लोक कला। 20 आपका एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष किस वर्ष में हुआ था। तो 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1951 में एशियाई खेलों का आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कलम पढ़ेंगे आपका टेस्ट सी नंबर 6। ठीक है, तो आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।